पानीपत जीटी रोड एक बार फिर से उसी स्थान से धस गई जहां कुछ साल पहले धसी थी। आज शाम दिल्ली से करनाल की तरफ बाबा जोत सचियार के समीप राहगीरों ने जीटी रोड पर बने एक होल को देखा, जिसकी सूचना तुरंत एलएनटी के अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलने पर अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मौके पर धसी हुई सड़क का निरीक्षण किया। अधिकारियों का कहना है कि इस जगह से एक पाइपलाइन जाती थी, पिछली दफा पाइपलाइन के लीक होने की वजह से सड़क धस गई थी। बाद में पाइपलाइन का कनेक्शन काट कर सड़क की मुरम्मत की गई थी। पाइपलाइन अभी भी सड़क के नीचे ही मौजूद है, हो सकता है उसी की वजह से सड़क धस गई हो। निरीक्षण के बाद धसी हुई सड़क की रिपेयर का काम किया जाएगा। उम्मीद है कि 6-7 घंटे में सड़क को रिपेयर कर लिया जाएगा। हालांकि सड़क धसने के पुख्ता कारणों का अभी स्पष्ट कुछ भी पता नहीं है, परंतु राहगीरों की सूचना पर अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए धसी हुई सड़क वाले क्षेत्र को वाहनों के लिए बाधित कर दिया है, ताकि रात के समय कोई बड़ी दुर्घटना न घटे। अभी ऐसे धसी थी बाबूजी, बड़ी परेशानी रही लोगों ने। अब फिर ये सुने आपने बताया तो हम तो देख रहे, सोच रहे भाई ये क्या हुआ। आप पुलिस वाले खड़े थे, इसलिए हम पूछ बच्चे आपसे पहले कब धसी थी ये तो बाबूजी कई साल की बात है। तो उस समय क्या परेशानी आई? परेशानी तो लोगों को थी जी बाबूजी, ये जैसे आप ऐसे जो तो ज़्यादा थी, जहाँ आप खड़े हैं इसे धसी थी। हाँ हो सकती है जी, कोई आदमी मर भी सकता है, या तो मेड़ा का काम है यहाँ जी। हाँ यार जो सचार गुरुद्वारे में लग रही है तो साल के साथ तो होना चाहिए बाबूजी, कोई दुर्घटना से बचे आदमी ये है जी। है संभावना? हाँ होगी जब होगी, मोदी का राज यही होनी चाहिए। अरे कुछ नहीं हुआ, पाइप हुआ ना, पाइप डैमेज हुआ होगा। पाइप डैमेज की वजह से कैविटेशन आया तो वो बैठ गया रोड, रोड बैठेगा तो कैविटी तो आएगा ही। अब उसको क्या निकाल के उसमें सैंड फिलिंग करके वाटरिंग करके उसको पैक कर देंगे, पैक और कंक्रीट से उसको रेक्टिफिकेशन करके उसको पैक कर देंगे पूरा। पीएचडी का कोई पाइप गया हुआ है 300 एमएम वाली पाइप, उसकी वजह से नहीं। पीएचडी डिपार्टमेंट के हाथ में पीएचडी के। हाँ जी, तो सर उसको उस समय पहले बंद कर दी थी वो पाइप लाइन, तो वो तो कह रहे हैं हमने बंद कर दी थी, इसमें कोई रिसाव है ही नहीं इसमें। अभी अभी क्या है, अभी इसमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी ये छोटा सा हॉल है 300 एमएम का। अभी इसको पूरा कटिंग करेंगे फिर पता चलेगा कि पाइप है क्या है, है ना। लेकिन यहाँ इधर से पाइप गई हुई थी, मेन हॉल है ना सर, वो तो पहले पाइप समय पहले बंद कर दी थी ना, उसके बाद कनेक्शन बंद किया। पाइप ऑलरेडी है वहाँ पे, उसमें सप्लाई है। हाँ जी कनेक्शन बंद किया, पानी की सप्लाई बंद करी। तो सर क्या इसका दिखाई दे रहा है, कब तक ये हो सकता है सर पूरा? ये रात भर में हो जाएगा कम्प्लीट, कोई बड़ा इशू नहीं है, छोटा सा काम है, 3-4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा कौशल कुमार नाम हुआ, मेंटेनेंस इंचार्ज। लोकल सेटलमेंट लग रही है ये, इसमें मिट्टी थी थोड़ी, वो उसमें थोड़ी बैठ गई है, कोई ऐसे खतरे वाली बात नहीं है, इसको कर देंगे एलएनटी के लोग आगे यहाँ पे। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है, देख लिया हमने अंदर घुस के देख लिया इसमें बैटरी से, तो ऐसी कोई बात नहीं। पहले भी इसी तरह का सर एक हुआ था पहले भी सर? नहीं, पहले वो सीवर लाइन थी यहाँ से पब्लिक हेल्थ की, अब तो वो दूर है, उस तरफ से कर दी थी। यहाँ नीचे कोई लाइन नहीं है, कोई पानी की लाइन नहीं है, कोई सीवर की लाइन नहीं है। ये लोकल सेटलमेंट है, गर्मी में हो जाती है इतनी बारिश। कितने घंटों में सर हो जाने की इसकी है उम्मीद? अभी थोड़ा ट्रैफिक अभी शुरू कर रहे हैं, 6-7 घंटे में ठीक कर देंगे, सुबह से पहले ठीक हो जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा राजेश।